बलूचिस्तान लेवीज फोर्स। लेवीज फोर्स कब वजूद में आया, क्यों वजूद में आया और बलूचिस्तान में लेवीज फोर्स किस तरह से कामयाब और काबिल अमल फोर्स रहा। एक मुख्तसर से सफर में इस वसी और इस बलूचिस्तान में लेवीज की कामयाबियों पर नजर डालते हैं। आपने देखा है कि कुछ अर्सा जब बलूचिस्तान में खराब थी उसमें हमारी लेवीज के काफी लोग शहीद भी हुए लाइन ऑफ ड्यूटी में, लेकिन अब लेवीज फोर्स काफी बदल गई है। पासिंग आउट परेड में गए, फौजदार गए, मैंने बिलीव नहीं किया कि मैं एक लेवीज को देख रहा हूं। और जब वो काम कर रहे थे कई खवातीन, उनकी जिस तरह परफॉर्म कर रही थी, उनका सेल्फ डिफेंस था, उनका तरीक़ेकार था, तो लोगों को ये कहने पे उन्होंने मजबूर किया आज लेवीज एक फोर्स लगी। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स है ना, ये एक अनटोल्ड स्टोरी है, ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में, ना सिर्फ अपने स्ट्रक्चर के अंदर, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, मीलों का सफर तक। आज का जो लेवीज का जवान है उसकी ट्रेनिंग जो हो चुकी है वो इतनी अच्छी हो चुकी है और वो हम लोगों ने खुद अपनी ज़ेर निगरानी करवाई है। आज अगर बलूचिस्तान के क्रिमिनल लैंडस्केप के अंदर स्टेबिलिटी आप देखते हैं, उसका सेहरा जो है लेवीज फोर्स होता है। मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हालात में लेवीज फोर्स का किरदार बलूचिस्तान में बहुत ही अहम है। बलूचिस्तान में आज जो लोकल क्राइम्स हैं उनमें भी कमी आई है और दहशतगर्दी के हवाले से जो किरदार अदा किया है लेवीज फोर्स में वो भी बहुत है। लेवी एक इफेक्टिव, डायनेमिक और वाइब्रेंट फोर्स है। मैंने इसको लोकल लेवल पे ऑपरेट करने वाली एक इफेक्टिव फोर्स पाया है कि जिस अच्छे और उमदा अंदाज से लेवी जो है ना बलूचिस्तान के 85% एरिया में ऑपरेट कर रही है। बड़ी खुशायद बात यह है कि इस फोर्सेज की जो सर्विसेज है इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। इस मार्च के हवाले से एक बड़ी तकरीब होती है, उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 2022 है इंशाल्लाह लेवीज फोर्स उस पाकिस्तान डे परेड का हिस्सा होगा।